شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين اجبنا الشكر ادا کیا میرا نام سائمہ ریاض ہے میں کرالچک بٹی پورہ سے ہوں جو کہ شوپیان ڈسٹرکٹ سے 10 کلومیٹر دور پڑتا ہے لائک جیسا کہ آپ جانتے ہیں میری دوسری بک فلاورز ودر پبلش ہو گئی دو دن پہلے اور میری پہلی بک لیٹ دیم واٹ دے وانٹ بھی جو ہے وہ اس سے پہلے پبلش ہو گئی تھی मैं अपना 90% ऑफ द क्रेडिट अपने टीचर्स को और अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ. उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे कभी लो फील नहीं होने दिया, उन्होंने मुझे कभी डीमोटिवेट नहीं किया. मेरी मतलब जो पहली बुक है कि सबसे ज़्यादा मैटर पैशन करता है. अगर इंसान काम को काम करके ना अलबत्त पैशन करके देखे तो वो काफ़ी आगे अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकता है, अचीव कर सकता है अपने ड्रीम्स को. मेरी पहली बुक का मेन मोटिव यही है कि जैसा कि आप जानते हैं मेरी पहली बुक का नाम लेट देम व्हाट दे वांट टू बी है. उसका मतलब ही उसके टाइटल से ही समझ आ जाता है कि अपने बच्चों को वही करने दो जो वो चाहते हैं, लाइक गुड चीज़ें करने दो. जैसे अगर कोई चाहता है कि मैं इस प्रोफेशन में चला जाऊँ तो पेरेंट्स पीछे से बोल रहे नहीं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, बोल रहे नहीं आप इस प्रोफेशन में मत चले जाओ, आप मेडिकल प्रोफेशन में चले जाओ, इंजीनियरिंग प्रोफेशन में चले जाओ, तो उसका क्या होता है वो उनको फोर्स करता है. लेटर ऑन उनसे मतलब उम्मीद नहीं होती है कि क्या किया जाए, मतलब इसमें आगे जाके वो कर सकते हैं अचीवमेंट या नहीं कर सकते. अगर बच्चे को अपना मतलब पैशन हो कि हाँ मैं MBBS क्वालिफाई करना चाहता हूँ या लाइक एनी थिंग एल्स लाइक इंजीनियरिंग या लाइक एम्स वो क्रैक करना चाहता है तो वो कर सकता है. बट हार्डली एक चीज़ मैटर करती है वहाँ पे, पैशन. पैशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है एक बच्चे के लिए. और मेरी जो दूसरी बुक है फ्लावर्स विदर, वो दैट्स अ लव स्टोरी एंड दैट्स अबाउट कि इंसान को क्या करना चाहिए. इंसान को अपने माँ बाप के साथ या अपने दोस्तों के साथ या कहीं भी कोई भी फील्ड हो वहाँ पे उसको लॉयल रहना चाहिए. चाहे वो फ्रेंडशिप का फील्ड हो, चाहे वो पेरेंट्स का फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, वहाँ पे वो लॉयल रहना चाहिए. और करंटली आई एम वर्किंग ऑन द थर्ड बुक लल दैद, तो अभी मैं वर्क कर रही हूँ उस पर. तो आई थिंक माइट बी एंडिंग ऑफ द जुलाई वो पब्लिश हो जाएगी. तब तक वो पब्लिश हो जाएगी.